देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। खालिस्तानियों ने ब्रिटेन में जो बवाल मचा रखा है वो आप लगातार देख ही रहे हैं। वजह भी आपको पता है कि उनके आका अमृतपाल सिंह पर भारत में चाबुक चल रहा है। ऐसा चाबुक चल रहा है कि खुद को दूसरा भिंडरांवाला समझने वाला अमृतपाल मुंह पर छिपाकर भागा भागा फिर रहा है। उसने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां और पंजाब पुलिस दोनों ही अलर्ट मोड पर है। उनका दावा है कि अमृतपाल यहां से बाहर पर भी नहीं मार सकता। वहीं अब ब्रिटेन में हुए हंगामे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सख्ती के मूड में हैं। जयशंकर ने कहा, ब्रिटेन ने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया जिसकी अपेक्षा उस देश से की जाती है जहाँ उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास स्थित होता है। भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। ध्वज और उच्चायोग की सुरक्षा पर इस मामले में ब्रिटेन में देश का दायित्व है कि वो एक राजनयिक को अपना काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान करे। विदेश मंत्री ने आगे कहा, दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है जहाँ वो स्थित है। इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया। जिस दिन उपद्रवी उच्चायोग के सामने इकट्ठा हुए उस दिन उच्चायोग में सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षित मानकों को पूरा करने में विफल रही। कई देश सुरक्षा को लेकर बेहद लापरवाह हैं। उनकी अपनी सुरक्षा के बारे में अलग राय है और दूसरों की सुरक्षा के बारे में अलग राय है, लेकिन एक विदेश मंत्री के रूप में मैं आपको बता सकता हूं कि हम इस तरह के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। जयशंकर का ये सख्त बयान सुनक सरकार और खालिस्तानियों की आंख कान दोनों ही खोल देगा, क्योंकि अब भारत खालिस्तानियों के प्रति नरम लहजा बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।